चॉपर वोल्टेज और आउटपुट करंट के डायरेक्शन के बेसिस पे जो है हम चॉपर को पांच कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। पहला होता है क्लास ए चॉपर, दूसरा होता है क्लास बी चॉपर, तीसरा होता है क्लास सी चॉपर, चौथा होता है क्लास डी चॉपर और पांचवा और आखिरी होता है क्लास ई चॉपर। इस वीडियो में जो है हम सिर्फ क्लास ए चॉपर पे बात करेंगे और बाकी के चॉपर्स पे जो है हम आगे के वीडियो में बात करेंगे। तो क्लास ए चॉपर का जो सर्किट होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक डीसी सोर्स है, ये जो है ये इनपुट के तौर पे हम यहाँ पे डीसी सप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे देखें तो एक चॉपर लगा हुआ है। देखें ये चॉपर क्या होता है, हमने एक वीडियो में काफी डिटेल्स में चर्चा किया है, तो मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ और साथ ही साथ आपको यहाँ सजेस्टेड वीडियोज में भी दिखेगा, तो हो सके तो आप उस वीडियो को देख ले तो आपका ये जो चॉपर वाला कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे देखें तो एक फ्रीव्हीलिंग डायोड लगा हुआ है और यहां पे ये जो आपको लोड दिख रहा है ये एक इंडक्टिव लोड है, इसमें यहां पे एक इंडक्टर लगा हुआ है और यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहां मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास ए चॉपर होता है ये एक स्टेप डाउन चॉपर का एग्जांपल होता है और यहां पे क्लास ए चॉपर में जो करंट है वो हमेशा जो है सोर्स से लोड की तरफ फ्लो करता है और ये जो क्लास ए चॉपर है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन को जो है ये परफॉर्म करता है। यहां मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको लोड दिख रहा है जब इसके थ्रू करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो होगा तो ही हम जो है करंट को पॉजिटिव मानेंगे और अगर करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो होता है तो ओबियस सी बात है कि इसका ये जो साइड है ये पॉजिटिव होगा और नीचे वाला ये जो साइड है ये नेगेटिव होगा और हमें जो यहां पे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा हम उस आउटपुट वोल्टेज को भी जो है इस केस में यहां पे पॉजिटिव मानेंगे। तो मतलब यह है कि करंट जब इस डायरेक्शन में फ्लो होगा और आउटपुट वोल्टेज जब हमें मिलेगा अगर उसका ऊपर वाला साइड ये पॉजिटिव हुआ और नीचे वाला नेगेटिव हुआ तो हम यहां पे आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट दोनों को ही यहां पे पॉजिटिव मानेंगे और हमें जो है इन सबके लिए ग्राफ भी प्लॉट करना होगा तो उसके लिए ये रहा ग्राफ। तो अब चलिए देख लेते हैं कि इसका जो वर्किंग होता है वो किस तरह से होता है। कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है यहाँ पे ये जो चॉपर है इसे करेंगे ऑन। तो हमने यहाँ पे ये जो चॉपर है इसे किया ऑन। हम कैसे ऑन करेंगे, हम यहाँ पे अगर यहाँ पे एक सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर लगाया हुआ है इस चॉपर के रूप में तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे इसके गेट में जो है गेट पल्स अप्लाई करना होगा। सो अगर हम यहाँ पे गेट पल्स अप्लाई करते हैं तो ये जो चॉपर है ये हो जाएगा ऑन। तो यहाँ पे हमने ये मान लिया कि यहाँ पे जो है यहां से लेकर के यहां तक इतनी देर तक ये जो चॉपर है ये रहा ऑन। सो इतनी देर तक चॉपर ऑन रहा। अब जब यहां पे ये जो चॉपर है ये ऑन होगा तो अभी अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो बैटरी है इसका ये साइड पॉजिटिव होगा और यहां पे नीचे वाला जो साइड है ये नेगेटिव होगा। तो इस केस में देखने से ये क्लियर हो जाता है कि ये जो फ्रीव्हीलिंग डायोड है ये रिवर्स बायस में होगा और यहां पे ये जो फ्रीव्हीलिंग डायोड है ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो करंट जो है यहां पे करंट अभी करंट देखें तो वो सीधा सीधा इसके थ्रू फ्लो करेगा। मतलब यह है कि करंट यहां पे इस तरह से फ्लो करेगा। सो करंट यहां पे इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। चलिए मान लेते हैं कि यहां पे ये जो करंट है ये है लोड करंट आई नॉट। सो ये जो है ये है लोड करंट। अब यहां पे ये जो लोड करंट है क्या ये एकाएक अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर लगा हुआ है इंडक्टर। अब करंट ये लोड करंट जैसे ही थोड़ा सा बढ़ने का कोशिश करेगा वैसे ही होता ये है कि यहां पे ये जो इंडक्टर है इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है जिसका कि ऊपर वाला साइड पॉजिटिव होगा और नीचे वाला निगेटिव होगा। तो इस केस में ये जो है ये जो इसके अंदर जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है वो करंट को तेजी से बढ़ने नहीं देगा, ये करंट को अपोज करेगा। अर्थात यहां पर ये जो लोड करंट आपको दिख रहा है ये धीरे धीरे बढ़ेगा। तो यहां पे करंट जो है वो कुछ इस तरह से धीरे धीरे यहां पे बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते कुछ देर बाद ये पहुंच जाता है अपने मैक्सिमम वैल्यू पर। अब क्या है, देखें अगर यहां से लोड करंट फ्लो कर रहा है तो ओबियस सी बात है कि यहां पे जो है आउटपुट वोल्टेज भी मिलेगा और वो आउटपुट वोल्टेज जो होगा उसका यहां पे ये जो साइड होगा ये पॉजिटिव होगा और यहां पे ये जो साइड होगा ये नेगेटिव होगा। सो आउटपुट वोल्टेज यहां पे हमें इस केस में मिलेगा और हम जो है इसे भी ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो यहां पे जो है ये जो आउटपुट वोल्टेज होगा उसे हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे देखें ये जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा, ये जो आउटपुट वोल्टेज है वो बराबर होगा इस Vs के। सो यहाँ पे जो है इतना हमें जो है वोल्टेज यहाँ पे आउटपुट के तौर पे मिलता है जब ये चॉपर जो है ये ऑन रहता है। तो अब क्या है, अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे ये जो चॉपर है इसे कर देते हैं हम ऑफ। सो हमने इसे कर दिया ऑफ। अब जैसे ही हम चॉपर को ऑफ करेंगे वैसे ही अब यहां से जो है इस डायरेक्शन में तो करंट का फ्लो नहीं होगा
लेकिन जब ये चॉपर ऑन था तो उस केस में यहां पे ये जो इंडक्टर था ये क्या कर रहा था, ये जो है ये एनर्जी को स्टोर कर रहा था। अब जैसे ही हम यहां पे ये जो चॉपर है इसे कर देंगे ऑफ, वैसे ही ये जो इंडक्टर है ये एनर्जी को क्या करेगा, ये रिलीज करेगा। लेकिन इस केस में जब ये एनर्जी को रिलीज करेगा तो ऊपर वाला जो साइड है ये नेगेटिव होगा और नीचे वाला जो साइड है वो यहां पे पॉजिटिव होगा, और यहां पे ये जो है ये एनर्जी को रिलीज करेगा और करंट का जो है यहां पे फ्लो करवाएगा। अब करंट देखें किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, सो करंट यहां पे जो है करंट अभी जो है इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, मतलब ये जो फ्रीव्हीलिंग डायोड है इसके थ्रू जो है यहां पे इस तरह से फ्लो करवाता है। कौन करवाता है, ये जो इंडक्टर है, क्यों करवाता है, क्योंकि ये एनर्जी को स्टोर किया था, सो वही एनर्जी रिलीज कर रहा है तो यहां पे करंट जो है इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो अगर करंट यहां पे इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे ये जो है ये एक शॉर्ट सर्किट की तरफ बिहेव करेगा, और अगर ये शॉर्ट सर्किट की तरफ बिहेव करता है तो यहां पे जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो जीरो होगा और ये जो करंट है ये धीरे धीरे घटेगा। तो यहां पे ये जो करंट है वो धीरे धीरे कुछ इस तरह से यहां पे जो है घटता है, सो करंट यहां पे धीरे धीरे कुछ इस तरह से घटता है और यहां पे ये घट के कुछ इतना हो जाता है, और इस टाइम पे जो है यहां पे ये जो आपको चॉपर दिख रहा है इस टाइम पे यहां पे इतनी देर तक ये जो चॉपर है ये रहता है ऑफ। तो मैं यहां आपको दिखा दूं कि यहां से लेकर के यहां तक चॉपर जो है यहां पे रहता है ऑफ, सो टी ऑफ। तो जब चॉपर ऑफ रहता है तो करंट यहां पे इस तरह से फ्लो करता है, इस फ्रीव्हीलिंग डायोड के थ्रू फ्लो करता है और ये करंट जो है यहां पे घटता है, और आउटपुट वोल्टेज जो है यहां पे ये जो आउटपुट वोल्टेज है ये यहां पे देखें तो ये जीरो होगा। अब जब यहां पे ये जो चॉपर है इसे हम फिर से ऑन करेंगे तो फिर से जो प्रोसेस पहला वाला है वही यहां पे फिर से रिपीट होगा। सो अगर हम यहां पे चॉपर को जो है फिर से कर देते हैं ऑन, तो अगर हम यहां पे चॉपर को जो है फिर से करते हैं ऑन तो हमें जो है यहां पे आउटपुट वोल्टेज भी मिलेगा और साथ ही साथ यहां पे ये जो करंट है आउटपुट करंट जो है ये भी हमें यहां पे मिलेगा। सो करंट यहां पे फिर जो है लोड करंट इस तरह से बढ़ेगा और बढ़ के कुछ देर बाद पहुंच जाएगा अपने मैक्सिमम वैल्यू तक, और साथ ही साथ यहां पे हमें जो है आउटपुट वोल्टेज एक बार फिर से मिलता है। और जब हम फिर से चॉपर को यहां पे ऑफ करेंगे, इस चॉपर को जब हम फिर से ऑफ करेंगे तो होगा ये कि यहां पे ये जो करंट है ये फिर से यहां पे घटेगा और घट के अपने पहुंच जाएगा मिनिमम वैल्यू पे, और जब यहां पे ये ऑफ रहेगा चॉपर तो हमें उस केस में यहां पे ये जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें फिर से जीरो मिलेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये यहां पे लगातार रिपीट होता है। तो ये तो रहा इसके लिए वेवफॉर्म। तो यहां पे देखिए तो एक चीज तो ये क्लियर है कि ये जो चॉपर है ये चाहे ऑन रहे चाहे ये ऑफ रहे पर करंट जो है वो हमेशा देखें तो वो इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ। और हमने इससे पहले बात किया है कि जब करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगा, तो हम जो है करंट को पॉजिटिव मानेंगे, और साथ ही साथ जब यहां पे आउटपुट वोल्टेज में जब ये साइड पॉजिटिव होगा और नीचे वाला नेगेटिव होगा तो हम आउटपुट वोल्टेज को भी हम पॉजिटिव मानेंगे। तो यहां पे बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। सो करंट को भी हम पॉजिटिव मान सकते हैं और वोल्टेज को भी जो है हम पॉजिटिव मानेंगे, मतलब ये आउटपुट वोल्टेज जो है उसे भी हम पॉजिटिव मानेंगे। तो हम इस तरह से ये कह सकते हैं कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो अब जो है हम इसके कैरेक्टरिस्टिक के लिए भी जो है यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये मान लिया कि ये जो आपको वाई एक्सिस दिख रहा है ये जो है ये आउटपुट वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस है ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे आउटपुट करंट को, मतलब लोड करंट को हम कह सकते हैं। तो यहां पे अभी जो है देखें तो ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ये ऑपरेट कर रहा है। तो यहां पे जो है ये जो है इसके लिए ये बनेगा कुछ इस तरह से ग्राफ। तो ये जो है ये दिखा रहा है ये कि जो करंट है वो भी पॉजिटिव है और आउटपुट जो वोल्टेज मिल रहा है वो भी पॉजिटिव है, इसलिए जो है हम इसे जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर रहे हैं। तो जब यहां पे जो है चॉपर जो है यहां पे ये जो चॉपर है जब ये ऑन रहता है तब भी करंट का फ्लो होता है, और जब चॉपर ये ऑफ हो जाता है तो यहां पे करंट तभी भी फ्लो होता है लेकिन यहां पे तब फ्रीव्हीलिंग डायोड के थ्रू फ्लो करता है। तो ये रहा इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक के लिए जो है ये ग्राफ। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म किया जाए, अगले वीडियो में हम क्लास बी चॉपर पे बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।